पूर्व सीएम के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को चिटफंड मामले में राहत देने से इनकार किया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ चिटफंड कंपनी का प्रमोशन करने के कारण एफआईआर दर्ज है। अभिषेक सिंह के खिलाफ अब तक प्रदेश भर में 2.5 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और इस मामले में अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन लगाकर पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। 22 जुलाई को अभिषेक सिंह के आवेदन पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित था। याचिकाकर्ता के वकील देवर्षी ठाकुर ने बताया है कि हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह को राहत देने से इनकार किया। राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए फ्रीडम दिया गया और हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह को इतनी राहत जरूर दे दी है कि उनके खातों की जांच ईडी नहीं करेगी, लेकिन राज्य सरकार की कार्रवाई जारी जरूर रहेगी। माननीय न्यायालय ने उनको देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच थी, वो राज्य शासन नहीं कर सकता, पर ईडी के लिए उसको स्वतंत्र है और कहीं पे भी उन्होंने राज्य शासन को किसी भी कार्रवाई के लिए नहीं रोका।